Ethics with S. Ansari remains the best ever choice. Do you know that ethics paper is the only paper in general studies that pays more with less efforts? One can easily secure 130 to 140 marks. Luqman IAS is a well-established name since 2014 for ethics paper. We offer three types of courses: Ethics Foundation course, Ethics Case Studies, and Ethics Test Series. Since 2015, Luqman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this paper. So, why to wait? Contact us today for more information. Hey there, मेरा नाम सक्षम गोयल है. इस बार के UPSC Civil Services Examination में मेरी 27th rank आई है. ये मेरा पहला attempt था और मैं इस वीडियो में अपने ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा. सबसे पहले ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और इसमें मेरे मार्क्स 273 हैं. फर्स्ट पेपर में 138 और सेकंड पेपर में 135. सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि ऑप्शनल कैसे चूज करना चाहिए. मेरे लिए मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही पॉलिटिकल साइंस था, इसलिए PSIR लेना मेरे लिए नेचुरल चॉइस था. बट जो लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर हमारा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हम लोग ऑप्शनल नहीं ले रहे हैं तो किन फैक्टर्स पे करना चाहिए, तो जनरली माना जाता है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, जो सब्जेक्ट है वो स्कोरेबल होना चाहिए, तीसरा जो टाइम आपके पास अवेलेबल है उसके साथ वो इन सिंक हो, और चौथा उसके अंदर मटीरियल और टेस्ट सीरीज अवेलेबल होनी चाहिए. पाँचवा एक फैक्टर है जिसमें कहते हैं कि क्या GS के साथ ओवरलैप एक फैक्टर है. इसमें दोनों ही व्यूज हैं, येस एंड नो बोथ. हाँ, अगर आप लेट्स से इंजीनियर या डॉक्टर हैं, आपका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज में नहीं है, तो आपको कम काम करना पड़ेगा रिलेटिवली. दूसरा, GS में भी एक एज मिल सकती है. और तीसरा, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, तो एवरी मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट देयर, तो फिर आपका टाइम बचेगा. बट उसका फ्लिप साइड ये है कि लेटस से अगर आपका ऑप्शनल PSIR ही है तो GS2 में खतरा ये रहता है कि आंसर बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल ना हो जाए, थोड़ा सा एज जो है वो कहीं इतना ना हो जाए कि वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए. ऐसे फॉर इंस्टेंस ऐसे के अंदर ऐसा ना हो कि आप केवल पॉलिटिकल साइंस की ही ऑप्शनल का आंसर लिखाएं, तो वो एक फ्लिप साइड भी है, तो उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है. अब आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग PSIR. सबसे पहले GS पेपर 2, GS पेपर 4 और SA, मतलब GS पेपर 2 विच इज अबाउट पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, GS पेपर 4 जो एथिक्स इंटेग्रिटी है, और SA, इन तीनों में आपको मदद मिलती है. दूसरा, जो इसकी वोकैबुलरी होती है, जो टर्मिनोलॉजी फ्रिजियोलॉजी आप यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा रीयूजेबल है. तीसरा, जो इंटरनेशनल रिलेशंस है जिसके लगभग 50 नंबर का आपका GS पेपर 2 में आएगा, उसके लिए अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यूजुअली टाइम नहीं होगा बाकी सब्जेक्ट वालों के पास कि अलग से इंटरनेशनल रिलेशंस करें, तो उसके अंदर एक एज ला सकते हैं. नंबर 4, जो प्रिलिम्स होता है उसके अंदर पॉलिटी के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो भी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फेडरलिज्म इन सब के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे से हैंडल हो सकते हैं. फिफ्थ, इसमें मटीरियल एज वेल एज टेस्ट सीरीज दोनों बहुत ईजिली अवेलेबल हैं और दोनों अच्छी क्वालिटी की अवेलेबल हैं. एंड सिक्स्थ, इसके अंदर क्रैमिंग रटना कम है, इसको समझ के आंसर्स को हैंडल आराम से कर सकते हैं. इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स रटने हैं. पर इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? नंबर 1, अगेन वही जो मैंने बोला कि GS2 के आंसर्स बहुत थियोरेटिकल ना हो जाए, बहुत ऑप्शनली ना लगने शुरू हो जाए. दूसरा, जो SA का पेपर है, SA के अंदर जैसे इस बार एक मार्क्स के कोट के ऊपर एक क्वेश्चन आया था और एक आया था रियल इज रैशनल रैशनल इज रियल. अब हमको पता है इसके ऊपर हम लोग, ये हेगल की कोट है, हम इसको पढ़ चुके हैं, हम इसके बारे में बहुत लिख सकते हैं ऐसे में. पर प्रॉब्लम मेरे ख्याल से क्या रही होगी, जिन लोगों ने PSIR के लोग होंगे जिन्होंने ये वाला टॉपिक लिया होगा, उन्होंने बहुत ही पॉलिटिकल साइंस वाला आंसर लिखा होगा, जबकि इसके अंदर हमें जनरलिस्ट की अप्रोच चाहिए. तो ये एक फ्लिप साइड है कि अपने ऑप्शनल को इस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसी कॉन्टेंट को इस तरह से इस्तेमाल करना है कि वो ऑप्शनली ना लगे. उसके बाद मुझे लोग बताते हैं कि एक और डिसएडवांटेज ये है कि इसका सिलेबस बहुत ह्यूज है, बट मुझे वो इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन में सिलेबस खत्म कर लिया था, तो इसको भी आप ध्यान में रखें जब आप चूज कर रहे हैं. अब PSIR मेरा ग्रेजुएशन में था, जो लोग PSIR ग्रेजुएशन के हैं उनके लिए अब मैं बोल रहा हूँ कि उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं. सबसे पहले एडवांटेजेस, जो सिलेबस है उसके साथ यू आर रियली रियली फेमिलियर,
जो क्लासेस हैं उनकी जरूरत नहीं होती, मैंने भी क्लासेस नहीं ली, मैंने शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स और मॉक टेस्ट लिए थे, तो वहां पर आपका टाइम सेव हो जाता है। जो वोकैबुलरी है उसके साथ यू आर रियली रियली फेमिलियर, और जो टर्म्स होते हैं उनके कॉनोटेशंस क्या हैं वो सब पता होते हैं ग्रेजुएशन के टाइम से ही, एक ये फायदा है। दूसरा, बिकॉज ये जनरली ह्यूमैनिटीज वालों के लिए है कि अगर आप ऑलरेडी ह्यूमैनिटीज के हैं तो आपकी स्पीड ऑफ हैंडराइटिंग ज्यादातर चांसेस है कि अच्छी ही होगी, तो फिर इस पेपर में बहुत फायदा मिलेगा। तीसरा, यू नो मोर देन द सिलेबस, सिलेबस सीमित है पर उसके बाहर की भी चीजें ग्रेजुएशन में पढ़ रखी हैं, तो अगर कोई ऐसा आंसर है जो नहीं आता है या फिर उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा आप एज चाहते हैं तो वो इस्तेमाल भी थोड़ा बहुत हो जाता है, 2-5% आप इतना कर पाते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इसका। तो फिर जो कंक्लूजन है इसका वो ये है कि आप टाइम बचा देते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है इसमें, डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं, बिकॉज जो नॉन पॉल साइंस के कैंडिडेट्स होते हैं, जो जिनका बैकग्राउंड नहीं है पॉल साइंस में, यूजुअली वो लोग ज्यादा नंबर ले आते हैं, जो एकदम टॉप मार्क्स होते हैं यूजुअली वो लोग ले आते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज हम लोग बहुत एकेडमिक आंसर्स लिख देते हैं जिसमें बहुत ज्यादा नुआंस आ जाता है। इस एग्जाम में वो स्टाइल भी बदलना है, वो स्ट्रक्चर बदलना है, नुआंस थोड़ी कम डालनी है, थोड़ा बॉयलर प्लेट सामान डालना है, वो चीजें कई बार एज एन एकेडमिक ईगो हर्ट करती हैं, इसलिए हम नहीं करते हैं, ये चीजों से थोड़ा बचना है। दूसरा, आई अंडरस्टैंड ये 200 वर्ड्स का मजाक चल रहा है जिसके अंदर हम लोगों को प्रॉपर आंसर्स लिखने की आदत है, जिसके अंदर नुआंसेस डालते हैं, यहाँ पे बहुत वाइड क्वेश्चंस को 200 वर्ड के अंदर लिखना है। आई रिमेंबर मेरे साल से पिछले साल एक क्वेश्चन था जिसके अंदर पूरी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को ट्रेस करना था विद इन 250 वर्ड्स, वो एक मजाक है, पर उसको भी अपने जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है उसके अंदर एक्लिमेटाइज होना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा। इफ यू कैन डू दैट देन यू कैन कन्वर्ट योर बैकग्राउंड इन पॉल साइंस इनटू एन एडवांटेज, अदरवाइज इट्स अ बिग डिसएडवांटेज। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट ऑफ दिस टॉक विच इज माई स्ट्रैटेजी, सबसे पहले मेरे सोर्सेस, कॉलेज टाइम में मैंने कुछ नोट्स बनाए थे जिसके बारे में मैं बताऊंगा, वो नोट्स और मेरी कुछ रीडिंग्स जो मैं जनरली पढ़ता था, लेट्स से द आइडिया ऑफ इंडिया सुनील खिल्लानी का, या फिर ब्यूरोक्रेट्स की बुक्स, पोलिटिकल थियोरिस्ट्स की बुक्स, जो मैं जनरली पढ़ता था, वो सारी चीज़ें जब मैं अपने आंसर राइटिंग में आऊँगा बताऊँगा। बहुत मार्जिनली मैं लिखता था, तो अगर आपने ये नहीं करा है कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सारे जितने भी टॉपर्स हैं वो सब इसे करे बिना ही मुझसे ज़्यादा नंबर भी लाए। सेकेंडली, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ कोर्स, शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स। तीसरा, शुभ्रा रंजन मैम के मॉक टेस्ट्स, और फिर इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस के सोर्सेज पे आने से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा, कई लोग अलग अलग बुक्स लेके बैठ जाते हैं और उनको पढ़ने बैठते हैं, उन्हें लगता है कि उससे उन्हें कोई एज मिल रही है। जब आंसर राइटिंग पे आएंगे पता चलेगा कि शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स जो थे वो मोर देन इनफ थे, उससे ज़्यादा कॉन्टेंट आप आंसर में लिख ही नहीं पाएंगे, कोई पॉइंट नहीं है अपने सोर्सेज को मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करने का। अब आ रहा हूँ मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के जो करंट इश्यूज हैं उनके सोर्सेज के लिए। जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है वो तो शुभ्रा मैम के नोट्स में हो गया है, जो करंट इश्यूज हैं उनको कैसे कवर करें? एक तो एडिटोरियल पीसेस, जो इंडियन एक्सप्रेस है मैं उसको रेगुलरली फॉलो करता था, उसमें जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस के अच्छे आर्टिकल्स आते थे उनके मैं अलग से नोट्स भी बनाता था, उन नोट्स को मैं ऑथर वाइज सेग्रीगेट करता था। दूसरा, कभी कभी महीने में 2-3 बार न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ता था, उसमें अगर कोई अच्छा आर्टिकल दिख गया वो एक सॉर्ट ऑफ एन आइसिंग ऑन द केक हो गया था। और हिंदू में ओकेजनली अगर कोई अच्छा एडिटोरियल पीस आ गया, महीने में 3-4 एडिटोरियल अगर अच्छे आ गए वो देख लिए और उनके भी ऑथर वाइज नोट्स बना लिए, एक ये। दूसरा, ORF ऑनलाइन के अंदर कुछ पर्टिकुलर ऑथर्स है जिनके मैं अभी नाम बताऊंगा, उनको मैं रेगुलरली फॉलो करता था, अगर उनके अच्छे आर्टिकल्स आते थे, यूजुअली उनके अच्छे आर्टिकल्स, रेलेवेंट आर्टिकल्स आते थे, उनके भी मैं ऑथरवाइज नोट्स बनाता था। और तीसरा, मेरे प्रिलिम्स और मेंस के बीच में एक बुक आई थी, पॉलिटिक्स एंड जियोपॉलिटिक्स बाय हर्ष पंत, जो एडिटेड बाय हर्ष पंत। उसमें क्या था कि 10 चैप्टर्स थे जो हमारे 10 नेबर्स हैं उनके ऊपर, बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स, 7-8 पेजेस के, जो वहाँ के फॉर्मर एम्बेसडर्स ने लिखे थे, और वो बहुत क्रिस्प थे क्योंकि ये लेटेस्ट बुक थी, प्रिलिम्स और मेंस के बीच में आई थी, इसलिए उसका कॉन्टेंट भी फ्रेश था। अब जब मैं अपने आंसर्स में लिखूंगा वो जो भी उस एम्बेसडर का नाम है, और फिर ब्रैकेट में लिखूंगा पॉलिटिक्स इन जियो पॉलिटिक्स एडिटेड बाई हर्ष पंत 2021, इन योर केस 2022, तो फिर एक फ्रेशनेस फील होगी कि अच्छा, बुक से लिखा है, नई बुक से लिखा है, जो हर्ष पंत है बहुत रेलेवेंट है अपने फील्ड के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने फील्ड के अंदर, तो फिर वो आंसर थोड़ा सा अलग लगेगा। एक ये करा था।
अब मैं आता हूँ जो इम्पोर्टेंट ऑथर्स हैं जिन्हें मैंने फॉलो करा, जिनके अलग अलग वर्ड के डॉक्यूमेंट्स बनाए, और ये इम्पोर्टेंस के बेसिस पे नहीं है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। नंबर 1 अनंत कृष्णन, नंबर 2 अरुण प्रकाश, नंबर 3 सी राजा मोहन, नंबर 4 सी उदय भास्कर, नंबर 5 ध्रुव जयशंकर, 6 हामिद अंसारी, 7 हर्ष पंत, 8 कबीर तनेजा, 9 एम के नारायणन, 10 निरुपम रॉय, 11 राकेश सूद, 12 पी एस राघवन, दिस इज रिपीटेड, 14 समीर सरन, 15 सैयद अकबरुद्दीन, 16 विवेक सिंह, 17 विवेक गोखले, एंड 18th डॉक्यूमेंट वॉज मिसलेनियस। सो दीज वर द कैटेगरीज। वंस इट वॉज डन, एक बार ये एक साल का पूरा हो गया, उसके बाद फिर मैंने टॉपिक वाइज उसको सेग्रीगेट करा, चाइना, अफगानिस्तान, टर्की, मिडिल ईस्ट, ऐसे करके, और फिर उसका एक डॉक्यूमेंट बना लिया। वो डॉक्यूमेंट मेरा लगभग 179-180 पेजेस का था। उसके अंदर भी फिर मैंने हाईलाइट कर लिया था, तो वो और ज्यादा जल्दी रिवाइज हो जाता था। अब आते हैं जो क्रोनोलॉजिकली मेरी स्ट्रैटेजी मैंने कैसे करा, मैंने कैसे कैसे कवर करा। सबसे पहले कॉलेज टाइम में, कॉलेज में आने के 2017 में मैंने ज्वाइन करा था कॉलेज, उसके कुछ महीनों बाद ही मैंने शिवराजन मैम के नोट्स में ले आया था। हर सेमेस्टर क्या होता था कि लेट अस से इस सेमेस्टर पॉलिटिकल थ्योरी है, उसके अंदर पहले मैं शुभरंजन मैम के नोट्स पढ़ता था, समझ बेसिक समझ में आ गए। उसके बाद फिर ICW एक लाइब्रेरी है, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स एट सफर हाउस, गवर्नमेंट की लाइब्रेरी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर आती है, उसमें जाता था। हर सेमेस्टर 2-3 राउंड्स लगते थे, गया 3-4 घंटे, वहाँ कोई बुक नहीं पढ़ी, वहाँ पर केवल सारी बुक्स देखी। उन बुक्स में जो जो बुक्स रेलिवेंट थी मेरे लिए, उन सब में से जो भी रेलिवेंट चैप्टर्स थे उन्हें मार्क करके उनकी फोटोकॉपी करा दी। तो हर ट्रिप में 200-300 पेज हो जाते थे, और 2-3 ट्रिप लगती थी, तो लगभग हर सेमेस्टर 600-900 पेजेस मेरे पास कंपाइल्ड एक रीडिंग बुकलेट टाइप की बन जाती थी। उनके मैं फिर नोट्स बनाता था, अगर ज़्यादा बल्की हो गए तो और क्रिस्प नोट्स, उन्हीं नोट्स के और क्रिस्प नोट्स बनाता था। हर सेमेस्टर लगभग 25-30 कभी कभी 50 पेजेस तक मेरे नोट्स बन जाते थे। इनमें से खास बात यह है कि लगभग 75-80% नोट्स UPSC के लिए रेलिवेंट नहीं थे, वो प्रॉपर एकेडमिक नोट्स थे। 20-25 नोट्स जो काम के थे उनको फिर मैंने UPSC में इस्तेमाल करा। दूसरा, कॉलेज टाइम पे मैंने जैसे बताया मैं अपनी रीडिंग्स करता था, कुछ जर्नल्स थी पॉलिटिकल साइंस की वो पढ़ता था, और स्टीफन्स के अंदर क्या है, हम लोगों को असाइनमेंट दिए नहीं जाते, हमें बोला जाता है किसी भी टॉपिक पे आप अपना रिसर्च करके असाइनमेंट लिखें। तो उस टाइम पे, और वो ऑफकोर्स पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड हो प्रेफरेबली, बट उसमें भी और आगे जाके कर सकते थे, तो उसमें जो मेरी रिसर्च थी वो भी मेरे एक प्रिपरेशन का ही पार्ट मान सकते हैं, कि जो मुझे एक आध सेंटेंस पूरे पेपर में कहीं एज अगर मैंने लिखा हो तो वहां से भी होता है। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSE चैनल। यहां आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। इस सब का बहुत ज्यादा यूपीएससी में रेलेवेंस नहीं है, बट मैं फुल डिस्क्लोजर में बता रहा हूँ। अब आते हैं प्रॉपर प्रिपरेशन पे, जो मेरी जून 2020 से स्टार्ट हुई। जून 2020 में वो जो मेरे 20-25-50 पेज जो मेरे नोट्स बनते थे, उनमें से जो भी रेलेवेंट थे उनको मैंने अपने रजिस्टर से निकाला, और जो शुभरंजन मैम के नोट्स थे उसके अंदर टक इन कर दिया, ताकि मेरे पास एक जगह कंसोलिडेटेड मटेरियल मिल जाए। दूसरा, उनकी टेस्ट सीरीज थी, प्रीलिम्स से पहले 17 टेस्ट और प्रीलिम्स के बाद 8 टेस्ट की। जो पहले 17 टेस्ट थे उनमें से 10 टेस्ट मैंने जून और दिसंबर 2020 के बीच में दिए, जिनके अंदर ज़्यादातरों में मेरे अच्छे या बहुत अच्छे मार्क्स थे, कुछ में खराब मार्क्स भी थे, क्योंकि उसके अंदर मैंने अपने आंसर राइटिंग स्टाइल चेंज करने की कोशिश करी। तो फिर ये ध्यान रखिए कि जो आपका आंसर राइटिंग स्टाइल है उसी को बनाए रखें, पर GS वाले नहीं, पैराग्राफ स्टाइल में, दैट इज द ओनली प्रीरिक्विजिट। दूसरी चीज, हर चीज जो ये मैम ने भी अपने एक जो एक्सप्लेनेटरी वीडियो है उसमें कहा था, हर कॉमेंट, हर फीडबैक जो मिलता है उसे लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस फीडबैक को अकोमोडेट कर पाते हैं अपने स्टाइल में तो ही लें, अदरवाइज बी कॉन्फिडेंट। दिस एंटायर एग्जाम इज अबाउट बीइंग कॉन्फिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, नहीं होगा। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, बेसिक प्रिपरेशन करिए, हो जाएगा। इसके बाद फिर एक कर्सरी रीडिंग करी, बिकॉज ऑलरेडी मैं अपने कॉलेज के टाइम पे पढ़ चुका था और मेरा सब्जेक्ट ही रहा था, तो वो कर्सरी रीडिंग ही काफ़ी थी। अच्छा, एक चीज़ और, जो मैंने टेस्ट दिए थे ना वो टाइम्ड थे,
वो ओपन बुक भी थे, हालांकि ज्यादा नहीं देखा पर ओपन बुक थे, अगर लग रहा था तो देख भी लिया, और सेक्शनल थे, 120 नंबर वाले थे, लेकिन उससे कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे आंसर लिखना आता है। उसके बाद जो मैंने करंट अफेयर्स का बताया वो सारा, इतनी सारी चीजें जो थी वो सबके मैं नोट्स भी बना रहा था साथ में। एक सजेशन मैं दूंगा कि सिलेबस दिसंबर तक खत्म हो जाना चाहिए, लेटेस्ट से योर प्रीलिम्स इज मई या जून में, तो फिर दिसंबर तक ऑप्शनल का सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए और कुछ मॉक टेस्ट लगा देने चाहिए। थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि बाद में बहुत टाइम सेव हो जाएगा, प्रीलिम्स में भी टाइम सेव होगा और प्रीलिम्स के बाद बहुत कम टाइम मिलता है, उसके अंदर भी टाइम बहुत ज्यादा, यू विल फील कि ये पहले खत्म कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021, इसमें मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया, इसके अंदर मैंने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लिए, इसके अंदर मैंने ना ही रिविजन करा, इसके अंदर लेकिन जो वही करंट अफेयर्स इंटरनेशनल रिलेशंस वाले इश्यूज थे उन सब के मैं नोट्स साथ साथ बनाता रहा, दैट वाज ऑल दैट आई डिड। ये रिस्क मैं इसलिए ले पाया क्योंकि अगेन मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, बट अगर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है तो भी आई वुड सजेस्ट हाइंडसाइट के अंदर कि हर महीने में एक दो टेस्ट दे देने चाहिए ताकि उस प्रोसेस में ऐसा ना लगे कि कुछ पीछे छूट गया है। बाद में प्रीलिम्स के बाद जब मैंने वापस इंटरनेशनल रिलेशंस पकड़ा तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल था, तो फिर हर महीने एक टेस्ट दिया जा सकता है। अब आते हैं आफ्टर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम, वो बिल्कुल नहीं होता है, दो ढाई तीन महीने उसमें से भी पहला टाइम चला जाता है कि प्रीलिम्स में होगा या नहीं होगा उसके अंदर, तो फिर टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। उस टाइम में आपको बैलेंस करना है आपका ऑप्शनल का प्रिपरेशन और आपका जीएस का प्रिपरेशन। अब जीएस इतना वाइड है कि ऑप्शनल पे जा नहीं पाते, पर जो मार्क्स का वेरिएशन है वो जीएस में उतना ही है जितना ऑप्शनल में है, तो इस बैलेंसिंग एक्ट को यू हैव टू, पहले दिन से यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि ये एक बैलेंसिंग एक्ट होगा, उसी हिसाब से टाइम देना है। मैंने सोचा था कि जो प्रीलिम्स के बाद 8 क्रैश कोर्स के टेस्ट होंगे मैं वो दूंगा, मैं वो नहीं दे पाया क्योंकि टाइम नहीं था। हाइंडसाइट में अगर होता मैं जरूर देता, बट मैं नहीं दे पाया। उसकी जगह जो मेरे पास ये सारे मैम के नोट्स रखे हुए थे और मेरे नोट्स उसमें टक्ड इन थे, उन सबको मैंने स्कैन कर लिया क्योंकि वो लैपटॉप पे पढ़ना ज़्यादा आसान रहता है, इतने सारे रजिस्टर्स बहुत बल्की हो जाते हैं, इन सबको स्कैन कर लिया, मेरे पास एक जगह एक डॉक्यूमेंट आ गया। उसके बाद जो मेरे करंट अफेयर्स जो इंटरनेशनल रिलेशंस के नोट्स थे उनको टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करा, 180 पेज का डॉक्यूमेंट बना लिया। तीसरा, लगभग लगभग 2,500 पेजेस के मैम के नोट्स और मेरे नोट्स मिला के थे, शायद ज़्यादा ही होंगे, उनके मैंने खुद बहुत क्रिस्प नोट्स बनाए। अब वो जो क्रिस्प नोट्स थे वो लगभग लगभग 280 पेजेस में आ गए, तो यहाँ 280 पेजेस इंटरनेशनल रिलेशंस करंट अफेयर्स के 180 पेज, लगभग 450 पेज हो गए। अब ये 450 पेज जो थे ये मेरे उन 2,500-3,000 पेजेस का समरी हो गई। अब ये 450 एक्चुअल में 300 ही मानी है, 300 350 मानी है, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस वाले नोट्स में मैंने हाईलाइट कर लिया था बहुत सारी चीज़ें, तो फिर मुझे केवल वही पढ़ना होता था, तो असेंशियली 350-400 पेज का मेरे नोट्स बन गए, ये मुझे बार बार पढ़ने थे। अच्छा, एक चीज़ और, ये 280 पेजेस और जो मेरे 180 पेजेस हैं ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए जो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद इससे इजी रिवीजन हो गया। अब आते हैं हम सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टाइम पे, जो है जो मेंस होता है उसमें पहले वीकेंड में आपका एसे और जीएस पेपर 1-4 तक होते हैं और नेक्स्ट वीकेंड में क्वालिफाइंग पेपर्स और ऑप्शनल होता है। उसके बीच में जो 5-6 दिन हैं उसको कैसे इस्तेमाल करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यही सोचा था प्रिपरेशन के टाइम में कि उन 5 दिनों में कम से कम 5 बार रिविजन कर लूँगा उन 400 पेजेस का, लेकिन वो नहीं हो सकता। और ये चीज़ मैंने बाकी लोगों से भी कन्फर्म करी, उनसे भी नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जब आप मेंस के वो 3 दिन में ऐसे और फिर हर रोज़ 6-6 घंटे के आंसर्स लिख रहे हैं, वो भी इतने ज़्यादा टेंशन और केओस के बीच में, तो बॉडी उस टाइम नहीं थकती है, पर जब जैसे ही मंडे आएगा तो आप थक जाएंगे। इसलिए आई वुड से कि वो जो पहले 1-2 दिन हैं उसमें जब आप मेंस लिख रहे होंगे, जो लोग मेंस लिख रहे हैं, अगर 1-2 दिन आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उस टेंशन में बाकी दिन वेस्ट मत करिएगा। पहले 1-2 दिन इतनी थकान होगी ही कि आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, पहले 1 दिन तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, नाउ कमिंग टू आंसर राइटिंग के सजेशंस, मेरे पास 15 सजेशंस हैं। नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? स्पीड, बिकॉज जीएस के अंदर आपको 5,000 वर्ड्स लिखने हैं, इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 6,000 वर्ड्स लिखने हैं, बिकॉज ऑप्शनल के किसी भी क्वेश्चन में वर्ड लिमिट नहीं देनी होती और आप पैराग्राफ्स में लिख रहे हैं
तो ऑटोमेटिकली ज्यादा लिखना है, तो स्पीड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सेकेंड, बिलीव इन, बी कॉन्फिडेंट इन वॉट एवर यू आर राइटिंग, बिलीव वॉट एवर यू नो इज इनफ, बिकॉज कॉन्टेंट हर एक के पास सेम है. नंबर थ्री, कुछ थ्योरिस्ट्स के लिए पहले से इंट्रोडक्शंस बना के रख लीजिए, प्लेटो, एरिस्टोटल, जो भी हो, बहुत एक बॉयलर प्लेट इंट्रोडक्शन बना के रखें ताकि टाइम बच जाए. चौथी चीज, पेपर वन सेक्शन ए में थ्योरिस्ट जो हैं वो नोट्स में बहुत ज़्यादा बल्की दे रखे हैं, ज़्यादातर लोग उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, उसमें टाइम लगाइए बिकॉज बाकी सेक्शंस में काम आएगा, पर इतना नहीं कि उसी में आधी प्रिपरेशन निकल जाए. पांचवा, पेपर टू सेक्शन ए जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसमें हमेशा लगता है कि मटेरियल कम है, लेकिन वो एक्चुअल में कम नहीं है, क्योंकि पेपर वन सेक्शन ए आपकी उसमें हेल्प करेगा और वहीं से सारा मटेरियल आना है, तो दैट इज नेचुरल. नंबर सिक्स, ट्राई टू लिंक डिफरेंट सेक्शंस. लेट अस से पॉलिटिकल थ्योरी का आंसर लिख रहे हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले आइए, इंटरनेशनल रिलेशंस का ला रहे हैं तो फिर उस, या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ला रहे हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी ले आइए, दैट वे. तो अगर ये लिंक करेंगे तो कुछ अलग हो जाएगा. नंबर सेवन, जो मैं करता था कि कुछ आंसर्स ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर सेकेंड पैराग्राफ या पेनल्टीमेट पैराग्राफ, जो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है, उसके अंदर कुछ अलग लिख दिया, मे बी करंट अफेयर्स रिलेटेड ये, या फिर मे बी ये जो इंटरलिंकिंग मैंने बोला है उससे रिलेटेड. उससे क्या होगा, एक क्रिटिकल एनालिसिस वाली फीलिंग आ जाएगी. नंबर एट, इट इज नॉट अ जीएस पेपर, द इंट्रोडक्शन शुड बी प्रॉपर, द बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकड्रॉप एटसेट्रा शुड बी प्रॉपर. ऐसा नहीं कि वो सारी चीजें स्किप करते हैं, बिकॉज ये प्रॉपर प्रोफेसर चेक कर रहे हैं, दे नीड दैट प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग. नंबर नाइन, मोस्ट क्रिटिकल इज द यूजेज ऑफ फ्रेजेज एंड कीवर्ड्स. इसको मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करूंगा कि जो इवेल्युएटर है मेरे हिसाब से वो कीवर्ड्स ही ढूंढ रहा है. अगर इजाया बर्लिन है तो उसके अलग कीवर्ड्स हैं, इक्वालिटी है उसके अलग कीवर्ड्स हैं, तो उन कीवर्ड्स और फ्रेजेस को ही वो ढूंढ रहा है. इफ़ यू हैव टिक्ड ऑल दोज बॉक्सेस वो नंबर दे देगा. तो उन कीवर्ड्स की ये भी कर सकते हैं, हर टॉपिक के लिए कीवर्ड्स की एक लिस्ट भी बना सकते हैं कि ये तो यूज करने ही है. नंबर टेन, पहले कुछ मिनट ये देख के जरूर देख लीजिए कि आपको कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कौन से छोड़ने हैं, बिकॉज इसमें चॉइस आ रही है. ऐसा ना हो कि वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें जो नहीं आते, वो छोड़ के जो आते थे, ओके, उसमें थोड़ा सा टाइम पहले से लगा लें. नंबर 11, इंटरनेशनल रिलेशंस के जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर दो अप्रोचेस होनी चाहिए. एक अप्रोच होती है कि आप ऑथर्स के हिसाब से लिखें, दूसरी अप्रोच होती है आप स्कूल ऑफ थॉट जो है उसके हिसाब से लिखें. उन दोनों को ही यूज करना चाहिए अलग अलग आंसर्स में. जब आप ऑथर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैक्सिमम दो, कभी कभी तीन या चार तक जा सकते हैं, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म नहीं करना है, बिकॉज उन ऑथर्स के थ्रू आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, केवल उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता रहे हैं. नंबर 12, टॉपर कॉपीज को जरूर देखें. नंबर 13, अपना स्टाइल ऑफ हैंडराइटिंग डेवलप करें और उसको इस्तेमाल करें, विच कैन बी डन अगर आप ऑलरेडी ह्यूमैनिटीज के हैं, विच हैज टू बी होन, अगर नहीं है, विच हैज टू बी डेवलप ड्यूरिंग आंसर राइटिंग के मॉक टेस्ट्स. एथिक्स विद एस अंसारी रिमेन्स द बेस्ट एवर चॉइस. डू यू नो that ethics paper is the only paper in general studies that pays more with less efforts. One can easily secure 130 to 140 marks. Luqman IAS is a well-established name since 2014 for ethics paper. We offer three types of courses: ethics foundation course, ethics case studies, and ethics test series. Since 2015, Luqman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this paper. So, why to wait? Contact us today for more information. Number 14, जो global politics के questions हैं वो anticipate हो सकते हैं. For instance, मेरे में China था, उसके बाद शायद Ukraine, etc. तो उनको उन topics के लिए अलग से कुछ extra edge you should prepare, कुछ unique points. जैसे चाइना के अंदर मैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को गोंगजो गोंगचांगदांग होता है उसको मैंड्रिन में लिखना सीख लिया था, या फिर डेमोक्रेसी की बहुत बातें चल रही थी और उस टाइम टर्कमेनिस्तान में बात चल रही थी कि नया प्रेसिडेंट आएगा, तो नाम बहुत यूनिक था, गर्बन गुली बर्डी मुखामडॉफ, तो वो मैंने याद कर लिया था. या फिर कजाकिस्तान में जिस दिन मेंस था उसके एक हफ्ते पहले ही कूप हुआ था उसके बारे में रेफरेंस देना, तो कुछ यूनिक पॉइंट्स. फाइनली 15th पॉइंट, Practice. That's the most important thing. Read से कुछ नहीं होगा, because जितना आता है आंसर में उसका 2/3 से ज़्यादा तो लिख ही नहीं पाएंगे. तो फिर जो practice है, जो answer writing style है, वही आपका differentiating factor होगा.
टू कंक्लूड आई वुड से व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस पेपर इज नॉट द कंटेंट और द नॉलेज इट इज द अबिलिटी टू आर्टिक्युलेट द नॉलेज दैट यू ऑलरेडी हैव टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम हाउ कैन यू डू इट कॉन्फिडेंस ऑन द डी डे एंड अ सर्टन बिलीव इन योर प्रिपरेशन ऑल द बेस्ट